नमस्कार। दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि चना के प्रमुख कीट एवं उनकी रोकथाम कैसे करें। वो कौन कौन सी कीटनाशकी हैं जिनसे आप चने में लगने वाले कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को दबाना न भूलें। इससे आपको समय समय पर कृषि बागवानी को अनेक जानकारियां उपलब्ध होती रहेंगी, जिससे कि आप अपनी कृषि की पैदावार और उसके अनेक विधियों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। चलिए बात करते हैं चना कीट की। इसके पिछले वीडियो में हमने रोगों की बात की थी, तो आज के वीडियो में चना को जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उनके बारे में बात करते हैं। चना भारत की प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन इसकी गुणवत्ता चना के प्रमुख कीटों के प्रकोप से बहुत प्रभावित होती है। यह प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होने के कारण चना कीटों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और भारत में चना का प्रमुख कीट बहुत है। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ उन मुख्य कीटों के बारे में बात करेंगे या उनकी रोकथाम के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे अधिक चना की खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। चना का सबसे प्रमुख कीट है थली बेदर। यह इलो को वर्पा आर्मिडेरा और उनबर एक बहुभक्षी और चना का प्रमुख कीट है जो आमतौर पर चना थली बेदर के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण भारत में चना की फसल पर लगने वाला यह कीट प्रमुख है। यह कीट 181 प्रकार की फसलों और 48 प्रकार के खरपतवारों को भी खा सकता है, जिसमें चना के 20 से 50% तक फसल नष्ट हो सकती है। इसका प्रकोप पत्तियों और पुष्पों की अपेक्षा फलियों पर सर्वाधिक होता है। इस कीट की छोटी सूंडियां फसल की कोमल पत्तियों को क्रूच क्रूच कर खाती है। द्वितीय यानी दूसरे भाग में जो होती हैं सूंडियां वो संपूर्ण पत्तियों को खा जाती हैं और साथ में पुष्पों को भी, और तृतीय जो कि सबसे ज्यादा प्रौढ़ होती हैं वो चना की फली में गोलाकार छिद्र बनाकर मुंह अंदर घुसाकर दाने को खा जाते हैं। एक सूंडी 7 से 16 फलियों को क्षतिग्रस्त कर सकती है अपने जीवन काल में। रोकथाम यौन आकर्षण जाल द्वारा कीट संख्या के फैलाव या व्यापकता की निगरानी की जा सकती है। फिरोमोन ट्रैप विपरीत लिंग के कीटों को आकर्षित करता है। यदि एक रात में मादा कीट की संख्या 4 से 5 तक प्रति ट्रैप में चिपक जाती है तो रोकथाम के उपयुक्त तरीके किसान भाइयों को अपनाने होंगे। चना की प्रमुख कीटों के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करने से कीट की पोषक यानी पूमा मर जाते हैं। नंबर 3, समय पर बुआई करने पर जल्दी पकने वाली किस्में उगाने से कीट के प्रकोप से बचा जा सकता है। यह रोकथाम का तीसरा बिंदु है। नंबर 4, HNAPV 250 LE टीनापोल 1% का छिड़काव करें। इसके घोल में 0.5% गुड़ और 0.01% तरल साबुन का घोल डालने से क्रमशः कीटों को आकर्षक और NPV के पत्तियों पर फैलने से में मदद मिलती है। नंबर 5, निम्बोली का 5% घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि अत्यधिक प्रकोप है तो मोनोक्रोटोफास 0.04%, एंडोकार्ब और 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, एनुअल रेट 0.01% और क्लोरोफाइबिकोस का छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं। यदि तरल निपुण उपलब्ध नहीं हो तो फेनोल रेड 0.5%, मिथाइल पैराथियन 2%, चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गुड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 2 पर है कटुआ कीट, जिसको कटवरम बोलते हैं। इस कीट का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर बुआई से पूर्व बरसात का पानी भरा रहता है और मिट्टी भारी या चिकनी हो। इस कीट की गिडारे चिकनी लीजी और देखने में हल्के स्याही या गहरे भूरे रंग के तेलिए होती है। कटवरम
किलटें गहरे भूरे रंग की 1 से 1.5 इंच लंबी व 1/4 इंच से 1/3 इंच मोटी होती हैं, जो डेलों के नीचे छिपी रहती हैं एवं रात को बाहर निकलकर पौधों को भूमि की सतह के पास से काट देती हैं। शून्य पर ये लटें गोल गुंडी बनाकर पड़ जाती हैं। यदि एक सुंडी प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में पौधे की वनस्पतिक अवस्था में दिखाई दे तो आर्थिक नुकसान हो सकता है, यानी आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। इसकी रोकथाम कैसे करें? फुलानफूस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई से पूर्व बुरत कर भूमि में मिलाएं। नंबर 2, यदि भूमि उपचार नहीं कर पाए हो तो कटवरम कटुआ का प्रभाव दिखाई देते ही श्याम के समय फुलानफूस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुरकाव करके प्रकोप से बचा जा सकता है। खेत में जगह जगह सूखी घास की छोटे छोटे ढेर को रख देने से दिन में कटुआ कीट की सुइयां छिप जाते हैं, जिससे प्रातः काल इकट्ठा कर नष्ट कर देना चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 50 से 60 वर्ड पर्चर पक्षी मचान लगाना चाहिए ताकि चिड़िया उन पर बैठकर चींटियों को खा सके। नंबर दिमक काटता है तो चना के प्रमुख कीटों में यह एक जड़ों को काटकर उसके अंदर रहती है और दर्शित को देख के ऊपर मिट्टी की सुरंगें बनाकर उसके भीतर घुस जाती है। रोकथाम, दिमक की रोकथाम कैसे करें? क्लोरोफायरीफॉस 20 cc का 1.0 लीटर मात्रा में प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम बीज की दर से शोधन करें। खड़ी फसल में दीमक लगने पर 4 लीटर क्लोरोफायरीफॉस 20 cc की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई यानी पानी के साथ दें। खड़ी फसल में 0.05% क्लोरोफायरीफॉस के घोल को पौधों की जड़ों के पास छिड़काव भी कर सकते हैं। क्लोरोफायरीफॉस 20 cc की 4 लीटर मात्रा को मिट्टी में मिलाकर उसका आप गुड़काव भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है अर्ध कुंडलीकार कीट यानी सेमी लूपर। चना के प्रमुख कीटों में से एक यह कि सुंडियां हरे रंग की होती हैं जो लूप बनाकर चलती हैं। सुंडियां पत्ती कोमल टहनियों और फूलों और कलियों को खाकर क्षति पहुंचाती हैं। रोकथाम, बेसिलिस थुरिजिएंस बीटी की कटे की प्रजाति 1.0 किलोग्राम 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। एमोमेक्टिन वेजेट है 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी और सपिनोसाइट 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर आप 500 से 600 लीटर पानी इसके लिए पर्याप्त रहेगा। आप उसमें उसको अच्छी तरह से घोल कर आप छिड़काव उसका कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो प्रमुख कीट हैं चने के उनकी आप रोकथाम कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप हमारा वीडियो देखते रहिए, उसमें आने वाली जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्च करके निकाली गई जानकारियां होती हैं, इससे आपको फायदा ही होगा नुकसान नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर यही कहना चाहूंगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और बाद में दिखाई देने वाले घंटी के आइकॉन को दबाना न भूलें। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।